हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ संजीव शर्मा एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, जैसा कि मुझे कमेंट में मिला था, किसी ने बोला था पावर इन एसी सर्किट पर वीडियोस बनाइए एसी पावर पर, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया पावर इन एसी सर्किट। अब अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो देखिए, जैसे कि मैं अभी बोलता हूं, अभी रिसेंटली आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो है एसएससी जेई। एसएससी जेई में 3 सब्जेक्ट में, जैसे कि 5 सब्जेक्ट आते हैं ना, नेटवर्क आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, नेटवर्क आता है, मशीन आता है, पावर सिस्टम, एनालॉग एंड मीजरमेंट, और थोड़ा बहुत यूटिलिटी आ जाता है। तो 6 out of 3 बोल देते हैं। चलो, पावर सिस्टम में से क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन पावर निकालने के लिए। पावर सिस्टम में क्वेश्चन आता है हर साल, बस पावर सिस्टम में क्या होता है, स्टार डेल्टा का कंसेप्ट और लगा देता है, वो भी मैं आपको इसी पावर में बताऊंगा। दूसरा, मशीन में भी पूछ लिया जाता है कि एवरेज पावर क्या होगी या अपेरेंट पावर क्या होगी या लॉसेस कितने होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्क में पूछा जाता है। तो ये मान लीजिए, अगर मैं एसएससी जेई में इस पावर वाले ही टॉपिक का बात करूँ ना, तो 5 से 6 मार्क्स का टॉपिक का वेटेज मान सकते हैं सिर्फ इसी टॉपिक का। दैट मीन, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके 5 से 6 नंबर सिक्योर है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में, और मैं बोल सकता हूँ अपकमिंग 2021 वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर मैं टॉपिक की बात कर लेता हूँ तो टॉपिक बेसिकली क्या है, पावर, 3 टाइप्स की पावर होती है बेसिकली। पहली पावर होती है अपेरेंट पावर, डिटेल में भी अभी बताऊंगा, अभी एक शॉर्ट नोट दे रहा हूँ। अपेरेंट पावर क्या होती है बेसिकली, रेटिंग होती है मशीन की। ठीक है, दूसरा होता है एक्टिव पावर, या जैसे क्या बोलते हैं एक्टिव पावर को, आप बहुत जगह क्या देखोगे, रियल पावर के नाम से। ठीक है, रियल पावर कौन सी होती है, जो आउटपुट पर जो पावर हमें मिलती है। ठीक है, एंड या जैसे क्या बोल सकते हैं, जो रियल टर्मिनल में होती है, रियल एलिमेंट कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस मेरा रियल एलिमेंट है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्टिव पावर या रियल पावर मुझे कहाँ मिलेगी, रेजिस्टेंस में मिलेगी। एंड थर्ड वन होता है रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर का क्या होती है, जो पावर लॉसेज में जाती है, पावर इन लॉसेज, और लॉस कहाँ होते हैं, लॉस होते हैं आपके इंडक्टर में और कैपेसिटर में। तो रिएक्टिव पावर बेसिकली कहाँ मिलती है हमें, इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक शॉर्ट टर्म इनकी बातें। ठीक है, अभी इसको बताऊंगा भी। जैसे देखो, अगर मैं इसकी यूनिट बोलूँ, इसकी यूनिट होती है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, एक्टिव पावर की होती है किलो वोल्ट, और इसकी होती है केवीएआर, वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी यूनिट की। अब देखिए, पावर को इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट से हम एक लेज का पैकेट खरीदते हैं। ठीक है, लेज का पैकेट खरीदते हैं। अब देखिए, जब मैं एक लेज का पैकेट खरीदता हूँ मार्केट से, तो मुझे क्या लगता है कि उसमें क्या होता है, बेसिकली अंदर लेज मिलते हैं कुछ एक, जैसे मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है लेकिन आप मान लेना, और क्या होती है, गैस होती है इसमें। लेकिन हमें बाहर से देखने में क्या लगता है कि बहुत कुछ अमाउंट का मटेरियल है इसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, गैस होती है। तो बाहर से जो लगता है या जो रेटिंग है, बाहर से जो मुझे लग रहा है या रेटिंग है, वो कौन सी पावर है, अपेरेंट पावर है। मतलब बाहर से मुझे लग रहा है कि इसमें तो बहुत अमाउंट का लेज है, तो वो है मेरी अपेरेंट पावर। एक्चुअल में जितने मुझे लेज मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो होते हैं वो कम होते हैं, अगर बाहर से मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअल में जो मिलते हैं वो कम होते हैं, उसको मैं बोलता हूँ रियल पावर। एंड जो गैस होती है, या जो गैस होती है उसको क्या बोलूँगा, लॉसेज या रिएक्टिव पावर। ये बात समझ में आ गई, क्या बोला है मैंने, कि अगर मैं एक लेज का पैकेट उठाता हूँ मार्केट से, तो गैस प्लस एक्चुअल लेज उसमें जो है वो होते हैं अपेरेंट पावर, जो कि रेटिंग होती है मशीन के टर्म में बोले तो। एक्चुअल नंबर ऑफ लेज जो होते हैं वो होती है रियल पावर जो हमें मिलती है, या फिर एक्चुअल जो लेज होते हैं उसको कंपेयर करूँगा रियल पावर से या एक्टिव पावर से। और जो गैस होती है जिसका कोई काम नहीं है, वो क्या होती है, रिएक्टिव पावर या
सॉरी रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज देखिए, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पावर इन एसी सर्किट। अब जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था, साइनोसोइडल वेवफॉर्म पढ़ाई थी, आरएमएस वाली वीडियो या एवरेज वाली वीडियो किसी में भी आप देख लोगे, साइनोसोइडल वेवफॉर्म थी। तो एसी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, देखो विजिबल है यहाँ तक, वी क्या हो जाएगा आपका, वी एम साइन ओमेगा टी, जैसे कल लिखा था ना, कल करंट का लिखा था आई एम साइन ओमेगा टी, वही साइनोसोइडल वोल्टेज की बात मैं कर रहा हूँ, आई वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी। अब ये थीटा वी क्या है, थीटा वी है एंगल ऑफ वोल्टेज। सेम क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। आई क्या है, एंगल ऑफ करंट, यहाँ पर थीटा एम और थीटा आई क्या है, एंगल ऑफ वोल्टेज एंड एंगल ऑफ करंट। थीटा वी हो गया एंगल ऑफ वोल्टेज एंगल ऑफ करंट, ठीक है। चलो लिख भी देते हैं, चाहे वेयर थीटा वी क्या है आपका, एंगल ऑफ वोल्टेज और थीटा आई क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ करंट, करंट का एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस पावर। सबसे पहली बात कर लेता हूं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, पी टी ये क्या हो जाएगी, V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। अभी मैं कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ V आई। तो V इंटू आई क्या हो जाएगी, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा V इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ये हो जाएगी। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ये हो गई क्या इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये किसी इंस्टेंट पर पावर है। अब बात आती है एवरेज पावर निकालने की, और एवरेज पावर ही होती है आपकी रियल पावर, ठीक है। तो देखो एवरेज पावर के लिए, जैसा कि एवरेज वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं वैल्यू का, ठीक है, अपॉन में टाइम पीरियड, या फिर मैंने क्या बताया था, एरिया बाय ड्यूरेशन। और एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मेरे पास एक शेप्ड जो है फिक्स्ड शेप है या स्टैंडर्ड शेप्ड है तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया, जैसे रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अगर मेरे पास फिक्स्ड शेप या स्टैंडर्ड शेप नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एरिया कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा उसका। अब मुझे पावर का शेप नहीं पता, इसका क्या होगा, साइन के टर्म में होगा, साइन वेव फॉर्म कुछ निकल के आ रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस पावर का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो उससे क्या निकल जाएगी मेरे पास, एवरेज पावर, और टाइम ड्यूरेशन से उसको डिवाइड कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई। तो जब मैं एवरेज पावर निकालूंगा, एवरेज पावर देखो, मैं इसके डेरिवेशन पे डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अपना ऑब्जेक्टिव है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। अगर मैं पी एवरेज बोलता हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, टाइम पीरियड पर, पी टी इंस्टेंटेनियस पावर का अपॉन में टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी ये पी एवरेज निकल के आएगी, पी एवरेज आएगी मेरी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, और फाई क्या होगा, थीटा वी माइनस थीटा आई, मतलब क्या होगा ये डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ
वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएगा, ये एंगल फाई क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो देखो एवरेज वैल्यू मैंने क्या बताई थी, एवरेज पावर क्या होगी, रियल पावर। तो रियल पावर क्या आई है मेरी, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं फेजर के टर्म में देख रहा हूं, अगर इसी चीज को मैं फेजर के टर्म में देख रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं, फेजर में मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए इन फेजर यहां देखो मैं सारी पावर की बात कर लूंगा आपसे इस वीडियो में, कॉम्प्लेक्स पावर भी बता दूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं, फेजर में कैसे निकालते हैं, तो एसी की कोई भी पावर नहीं रहेगी और डीसी की तो इजी होती है। तो वी फेजर को मैं क्या बोल सकता हूं, वी आर एम एस एट एन एंगल ऑफ थीटा वी, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कोऑर्डिनेट कन्वर्जन में आर एट एन एंगल थीटा, उसी बेस पे लिख लिया इसको। और सेम आई क्या होगा, आई आर एम एस एंगल ऑफ थीटा आई, थीटा आई क्या होगा, एंगल किसका होगा, करंट का, और थीटा वी क्या होगा, एंगल किसका होगा, वोल्टेज का, ठीक है। तो पावर क्या होगा, वी इंटू आई होगा, वी आई, और दोनों क्या होंगे फेजर में, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस, और एंगल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे थीटा वी प्लस थीटा आई, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। और हमेशा क्या होता है, आर की पावर थीटा वन प्लस आर टू थीटा टू, मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं डॉट, तो ये क्या होते हैं आर वन आर टू, और एंगल क्या होते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन की प्रॉपर्टी बताई थी कोऑर्डिनेट कन्वर्जन में, वहां से देख सकते हो, ये हो गया। अब एक्चुअल में पावर क्या होती है, अगर मैं फेजर की बात करूं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स और वाई के टर्म में होते हैं या एंगल होगा, तो पावर क्या होती है, वी आई कॉन्जुगेट, वी आई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होता है, एक एंगल का साइन नेगेटिव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी पावर आपकी, वी आर एम एस आई आर एम एस एट एन एंगल ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो वी आई कॉन्जुगेट क्या हो गई, थीटा वी माइनस थीटा आई। अगर देखो यहाँ से, यहाँ देखो ये वी आई कॉन्जुगेट निकालिए, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला ये रियल पावर है या एवरेज पावर है, एवरेज पावर ये थी। अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ वी आई कॉन्जुगेट अगर मैं निकाल लेता हूँ तो दैट इज आवर एवरेज पावर। इफ़ मैं अपने रियल पार्ट ऑफ वी और आई निकाल लेता हूँ तो वो मेरी पावर कौन सी हो जाएगी, एवरेज पावर। तो अभी तक देखो आपने एक तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है एवरेज पावर का फॉर्मूला, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, और एक फॉर्मूला ये पावर निकालने के लिए देखा है वी आई कॉन्जुगेट, जो कि होता है वी आर एम एस आई आर एम एस थीटा वी माइनस थीटा आई। अगर मैंने यहीं से एवरेज पावर की बात की थी या रियल पावर की बात की थी, वो क्या थी हमारी, वी इंटू आई कॉन्जुगेट, लेकिन कौन सा टर्म, रियल टर्म उसका। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखो इसमें किसी को एक कन्फ्यूजन ये होगा कि थीटा वी प्लस थीटा आई हमने किया, यहाँ मैं थीटा आई माइनस सॉरी थीटा आई प्लस थीटा वी करता तो थीटा आई माइनस थीटा वी हो जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि थीटा आई को ही क्यों नेगेटिव लिया, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि थीटा आई को ही नेगेटिव लेना है, आप थीटा वी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने थीटा वी को जो है रेफरेंस वोल्टेज या फिर वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लेके चला हूँ, इस वजह से थीटा वी माइनस थीटा आई लिख लिया है। आगे बात समझ में, अब बात आती है, ये आ गया समझ में अभी तक। अब देखो एक इंडिविजुअली देख लेते हैं सभी पावर को। तो पहली पावर कौन सी होती है, रियल पावर। अगर लेस के एग्जाम्पल से जाएँ तो रियल पावर क्या बताई थी मैंने आपको, रियल पावर मैंने आपको बताई थी कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लेस प्रेजेंट इन द पैकेट, जो पैकेट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ लेज होते हैं, वो क्या होती है आपकी, रियल पावर होती है, ठीक है ना। जैसे कि चलो देख लेते हैं, पहली पावर आपकी रियल पावर,
अब ये रियल पावर क्या होती है आपकी, द एवरेज पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल पावर। रियल पावर बहुत जगह आपको क्या लिखी मिल जाएगी, एवरेज पावर। जैसे क्वेश्चन में यही बोल देगा एवरेज पावर निकालिए, तो एवरेज पावर में घबराना नहीं है, एवरेज पावर वही होती है रियल पावर। और तीसरा नाम क्या होता है इसका, एक्टिव पावर। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। देखो वीडियो ऑन डिमांड है यार, तो जो समझा रहा हूँ वो प्लीज़ समझना, और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो करने के बाद आपको पावर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और 5 से 6 मार्क्स आपके कम्प्लीटली श्योर्ड हैं इन SSC JEE एग्ज़ाम, जो कि मे बी March 2022 to 2025 एल्ड होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखना ये। अब मैंने क्या बोला है, रियल पावर क्या होती है, एवरेज पावर होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इससे कि जो मेरी एनर्जी जो एक्चुअली डेसिपेट हो रही है या यूटिलाइज हो रही है किसी भी सर्किट में, जो एक्चुअल एनर्जी मेरी किसी सर्किट में यूटिलाइज हो रही है उसको क्या मैं बोलता हूँ, रियल पावर। और ये क्या होती है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल से हीट, ये कन्वर्जन हो सकता है इस पावर का। तो रियल पावर क्या बताइए मैंने, बेसिकली एवरेज पावर होती है, जो कि मेरा कितना सिस्टम यूटिलाइज कर रहा है, और ये पावर क्या होती है, कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रियल पावर क्या होती है, जो हमें आउटपुट पर एक्चुअल पावर मिलती है, आउटपुट पर जो एक्चुअल पावर मिलती है उसको हम बोलते हैं रियल पावर। ये बात समझ में आ गई। और अभी हमने देखा ही था, रियल पावर की बात करें तो पी एवरेज क्या था, पी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, और फाई क्या था, थीटा वी माइनस थीटा आई। यहाँ के लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। अब देखो ये कॉस फाई क्या होता है, ये बेसिकली पावर फैक्टर होता है, इसकी यूनिट देखो या तो किलो वॉट मिलेगी या वॉट मिलेगी। ठीक है, किलो वॉट ही लेके चल देते हैं। अब कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। ये पावर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो आप, आर अपॉन में जेड से निकाल सकते हो, एक तो रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस, और दूसरा तरीका क्या है फाई निकालने का, थीटा वी माइनस थीटा आई, एंगल दे रखा होगा वोल्टेज और करंट का, उससे निकाल सकते हैं। पहली पावर समझ में आ गई। दूसरी होती है एपरेंट पावर। अब एपरेंट पावर मैंने क्या बताई थी, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर क्या होती है, बेसिकली अपेरेंट पावर होती है आपकी जो मेरी वैल्यू होती है क्या, रेटिंग की, जो रेटिंग दे रखी है वो रेटिंग ही आपकी क्या है, एक अपेरेंट पावर है। ठीक है, जैसा कि मैं बोल सकता हूँ, दिस पावर शुड बी डिलीवर्ड बाय द सिस्टम, जो मेरा सिस्टम से पावर डिलीवर्ड होनी चाहिए थी। ये तो देखो जो सिस्टम से डिलीवर्ड होती है मेरी पावर, अपेरेंट पावर कौन सी थी, जो सिस्टम से डिलीवर्ड होनी चाहिए थी। जैसे कि आप कोई भी मशीन देखोगे उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, 50 हर्ज, इतने एम्पियर, चार्जर देखा होगा उस पर लिखा होता है चार्जर पर, और पावर का भी लिखा होता है, जैसे 450 वॉट, 100 वॉट या 220 किलो वॉट। तो ये पावर, जो पावर रेटिंग जो लिखी होती हैं वो जितनी पावर लिखी हुई है, जैसे 220 किलो वॉट लिखी हुई है तो 220 kV ये लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा 22 kV, 33 kV। अब ये क्या लिखा हुआ है, 33 kV लिखा हुआ है, ये एक्चुअल पावर, ये अपेरेंट पावर है जो कि डिलीवर्ड होनी चाहिए थी लेकिन डिलीवर्ड होती नहीं है, उससे कम होती है। जो डिलीवर्ड एक्चुअल पावर होती है वो होती है रियल पावर। ये पावर डिलीवर्ड होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं होती है, कितनी होती है, रियल पावर होती है। तो बची हुई पावर कहाँ जाती है, बची हुई पावर जाती है लॉसेज में, और हम क्या मानते हैं लॉसेज किस में होते हैं, इंडक्टर में होते हैं या कैपेसिटर में होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पावर क्या है, दिस पावर शुड बी डिलीवर्ड बाय द सिस्टम बट इट इज़ नॉट डिलीवर्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिलीवर्ड बाय द सिस्टम या फिर रेटिंग। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो, द पावर दैट शुड बी डिलीवर्ड बाय द सिस्टम, डिलीवर्ड बाय द सिस्टम
और रेटिंग ऑफ द सिस्टम, और क्या होती हैं, रेटिंग होती है सिस्टम की। बट क्या होता है, ये पावर नहीं डिलीवर की जाती है, किस वजह से नहीं की जाती है, देखो पहला तरीका, पहला जो वे है क्यों नहीं होती है, बट इट इज़ नॉट डिलीवर्ड, बट नहीं होती है डिलीवर्ड, अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ क्यों नहीं होती है। देखो पहला वे बताता हूँ, पहला क्या होगा, द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर। तो क्यों नहीं हो पाती है, पावर फैक्टर की वजह से, क्योंकि अपेरेंट पावर क्या होती है, वी इन टू आई कॉन्जुगेट, लेकिन पावर कितनी डिलीवर्ड होती है हमारे पास, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अगर ये कॉस फाई का फैक्टर नहीं होता तो पावर कितनी आती, वी आई आती। तो ये पावर फैक्टर का जो फैक्टर आ जाता है, इसकी वजह से पावर जो है अपेरेंट पावर के बराबर अपने को डिलीवर्ड नहीं होती, हो पाती है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा दूसरा क्या होता है, ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और इंडक्टर और कैपेसिटर मैंने क्यों बोला है, इंडक्टर और कैपेसिटर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 33 kV थी और मुझे उतनी डिलीवर्ड नहीं हुई, तो बची हुई पावर कहाँ गई, लॉसेज में, और लॉस कहाँ होते हैं, हमेशा इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, तो एक्चुअल पावर कितनी आती है यहाँ पर, वी आर एम एस आई आर एम एस, और इसकी यूनिट क्या होती है, केवीए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ये कॉस का फैक्टर हटा लें तो क्या पावर बची, वी आर एम एस आई आर एम एस, ये हो गई एपरेंट पावर, केवीए। दूसरा तरीका अगर मैं फेजर की बात करूं, क्या होती है, वी आई कॉन्जुगेट। देखो ये कॉन्जुगेट होता है, कहीं अगर आप पढ़ लो ना कॉन्जुगेट नहीं है, तो दैट मीन कि वहाँ कहीं ना कहीं गलत लिखा है, कॉन्जुगेट जरूर होगा। ठीक है, अगर मैं एसी की बात करूँ तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एसएससी जेई का ही, तो एक किसी बुक में उसमें कॉन्जुगेट ना लेके सॉल्व किया गया है, लेकिन आंसर कॉन्जुगेट वाला निकाला गया है, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी देखनी है। पावर क्या होती है अपरेंट, वी आर एम एस आई आर एम एस वी आई कॉन्जुगेट, और ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। दो पावर हो गई, कौन कौन सी पावर हो गई आपकी, पहली हो गई एक्टिव पावर, रियल पावर या एवरेज पावर, दूसरी हो गई अपेरेंट पावर। ठीक है, देखो मैं पूरा पूरा लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है वो लिखा रहा हूँ आपको, और वो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी है ये चीज़ें, क्योंकि नोट्स अगर बनाने हैं तो फिर यार पूरी क्लास लेनी पड़ती है, और एक अच्छे नोट्स देखने हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स लिखाए हैं, वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है किसकी, रिएक्टिव पावर की। दो पावर हो गई, रियल पावर और अपेरेंट पावर, तीसरी बात आ जाती है रिएक्टिव पावर। अब जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया था आपको, रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है मेरी जो कि लॉसेज में पावर पाई जाती है, या जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये क्या होती है, डिफरेंस है किस किस का, एपरेंट पावर का और एक्टिव पावर का। क्योंकि देखो एपरेंट पावर जितनी डिलीवर्ड होनी चाहिए थी, एक्टिव जो डिलीवर्ड हो गई, तो बची कुची कौन सी हुई, बची हुई आपकी रिएक्टिव पावर। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया किसका, एपरेंट पावर का और रियल पावर का। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिव पावर, सॉरी, इट इज द डिफरेंस ऑफ एपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर। एक तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया एपरेंट पावर और एक्टिव पावर का, और हम क्या मान लेते हैं कि जो पावर एब्जॉर्ब्ड हो रही है या जो पावर लॉसेज में जा रही है, वो किसकी वजह से जा रही है, किसकी वजह से जा रही है, वो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पावर
एब्जॉर्ब्ड बाई इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, पावर किसके थ्रू जा रही है ये, कि इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू जो एब्जॉर्ब हो रही है वो पावर है रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल मैनर आता है कि एसी में कभी भी इंडक्टर एंड कैपेसिटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं पावर, बट लॉसेज होते हैं, इस वजह से हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, वो आगे की बातें हैं, उनका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो यहाँ पर उनका कोई मतलब नहीं है। अब इसकी बात मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगी, क्यू से डिनोट करते हैं उसको, जैसे एक्टिव पावर को पी से किया था, एपरेंट को एस से किया था, ये हो गई आपकी क्यू से, ये क्या हो जाती है वी आर एम एस आई आर एम एस साइन ऑफ फाई। फिर से वही फाई क्या है, थीटा वी माइनस थीटा आई। भाई ये एक्टिव पावर में था कॉस और रिएक्टिव पावर में होगा साइन, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है वी आर एम एस आई आर एम एस एक पावर है। ठीक है, अब जब वी आर एम एस आई आर एम एस में से एक्टिव पावर मुझे मिल गई वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, तो कॉस फाई अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 36.86 है पावर फैक्टर, तो जो क्या हो गई वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0.8। ठीक है, अब अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन क्या होता है उस वैल्यू का, 36.86 का 0.6 होता है, तो रिएक्टिव पावर क्या हो गई वी आर एम एस आई आर एम एस 0.6, तो 0.8 वहाँ हो गई एक्टिव में, 0.6 हो गई रिएक्टिव में। अगर मैं इसका टोटल करूँ 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। क्या आ गई पावर वी आर एम एस आई आर एम एस, ये बात समझ में आ गई। देखो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये लिख लिया, तो देखो ये बेसिकली तीन टाइप की पावर होती हैं, अब देखो क्या होता है वी आई कॉन्जुगेट को अगर मैं बोलूं तो वी आई कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस एक एंगल होगा कोई भी फाई। अब मैंने बोला वी इंटू आई कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये वी आर एम एस आई आर एम एस एक एंगल फाई। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे देखो फर्स्ट वीडियो में देखा था ना कोऑर्डिनेट कन्वर्जन, कोऑर्डिनेट कन्वर्जन वाली वीडियो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेसिक उठ के आ रहे हैं। आर थीटा को हम कैसे कन्वर्ट करते थे, रेक्टेंगुलर में एक्स प्लस आई वाई लिखते थे, ठीक है ना, वही चीज़ लिखेंगे, ये रियल ये रिएक्टिव, तो उसी टर्म में लिख देता हूँ मैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई प्लस जे वी आर एम एस आई आर एम एस साइन ऑफ फाई। देखो अगर कन्वर्जन वाला वीडियो मेरा देखा होगा किसी ने, कोऑर्डिनेट कन्वर्जन वाला, तो उसको ये भी नहीं पूछना होगा ये कहाँ से आया, वो यहीं से आया, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा है, रियल और एपरेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ये वी आई कॉन्जुगेट है, और वी आई कॉन्जुगेट क्या होती है, एपरेंट पावर है पूरी, तो एपरेंट पावर को मैं क्या बोल सकता हूँ, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। यहाँ पर एस क्या है आपका, एपरेंट पावर है, एस एपरेंट पावर ही तो है, पी क्या है आपका, पी है आपकी एक्टिव पावर, एक्टिव बोल दो या रियल बोल दो या फिर एवरेज बोल दो, और क्यू क्या है आपका यहाँ पर रिएक्टिव पावर। ये बात समझ में आ गई, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर कौन सी है, और क्यू की वैल्यू क्या होगी वी आर एम एस आई आर एम एस साइन ऑफ फाई, पी की वैल्यू होगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, और एस होगा वी आई कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक इसमें बनता है पावर ट्राइंगल, जो कि बनता है सिर्फ इसी से। तो देखो पावर ट्रायंगल के लिए बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने अगर आपको यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन जिसमें बताया था, तो ये सॉल्व करना भी बताया था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने, अगर मुझे एक्स प्लस आई वाई या एक्स प्लस जे वाई का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। वही सेम तरीका यहाँ होगा,
कि पी स्क्वायर प्लस जे क्यू स्क्वायर का अंडर रूट होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड इसका निकल जाएगा, फिर अगर मुझसे इसका एंगल पूछा गया है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ क्यू अपॉन में पी, यही हो जाएगा ना एंगल। मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने की कंडीशन मैंने बताई थी ना आपको, तो देखिए वहां से आप इसका मैग्नीट्यूड और एंगल भी निकाल सकते हैं। पावर ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। ये पावर ट्राइंगल क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे को एवरेंट पावर पता है तो मैं डायरेक्टली रियल और एक्टिव पावर निकाल लूँगा, या एक पावर पता है तो दोनों पावर निकाल लूँगा विद द हेल्प ऑफ पावर ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था, देखो थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट कन्वर्जन की बात करता हूँ। मैंने देखो यही तो देखा था, ये एक्स एक्सिस बनाया था मैंने, और एक्स एक्सिस को क्या बोला था मैंने, रियल एक्सिस है, और ये इमेजिनरी एक्सिस बनाया था जिसको मैंने बोला था वाई एक्सिस। यही सेम चीज़ की थी ना हमने, तो देखो वही चीज़ कर लेता हूँ। रियल एक्सिस है तो रियल पर क्या होगा, रियल पावर होगी, ये पी होगी, ठीक है। और इमेजिनरी से मुझे को फेजर सम करना है ना, मैंने क्या किया, क्यू को ऐड कर दिया, ठीक है, ये इमेजिनरी पर होगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था, ये था मेरा एस, ये मेरा एस ही तो था, एस जो कि एपरेंट पावर होगा, और इनके बीच में एंगल क्या था, एक फाई था, फाई एंगल पर ही तो बन रहे थे। तो देखो अगर इतना समझ में आया है, इतना समझ में अगर आपके आया है तो एक चीज़ समझिए, ये हो गया फाई। अब देखिए साइन फाई क्या हो जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होगा ना। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू है, क्यू अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, एस है। पूरा लिख देता हूँ यार आपके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू है, और ये क्या है, एस है, ठीक है। तो क्यू को क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, एस साइन फाई, और ये क्या होती है आपकी, रिएक्टिव पावर। मतलब एपरेंट पावर को अगर मैं साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिएक्टिव पावर आ जाएगी। दूसरा कर लेते हैं कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका, पी है, हाइपोटेनस क्या है, एस है, तो ये क्या हो जाएगी, पी एस साइन फाई, ठीक है। और इसकी ये कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट, इसकी क्या होती है, किलोवाट एम्पियर रेटिंग, ठीक है। चलो टेन फाइव ही निकाल लेते हैं, टेन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू है आपका, और बेस क्या है, पी है, तो टेन फाइव क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में पी। अगर मुझे एक्टिव पावर से रिएक्टिव पावर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, पी टेन फाइव। अगर एपरेंट से निकालनी है तो एस साइन फाई, लेकिन अगर मुझे एक्टिव पावर दे रखी है और रिएक्टिव निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, उसका टेन फाई निकाल लूँगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। और इसकी यूनिट, यूनिट तो हो ही गई, और एस की यूनिट क्या होगी, एस की अगर मैं बात करूँ, एस की यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर। ये बात आ गई इनकी यूनिट की। अब इसमें एक चीज़ और समझना, अगर मैं बोलता हूँ क्या कि देखो ये क्या है, एस साइन फाई है, ये क्या है, एस कॉस फाई है। ये मैंने मान लिया इक्वेशन वन, ये मैंने मान लिया इक्वेशन टू। स्क्वायरिंग इक्वेशन वन एंड टू एंड एडिंग देम, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर कर रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एड देम, उनको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा ये देखो, अगर मैं पहली का स्क्वायर करूँगा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर पी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब क्या हो गया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, वन होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वन के इक्वल आ जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, और एस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है, जो मैंने बोला था ना एस पी प्लस जे क्यू को कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर दे रखी है तो एपरेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो ये था पूरा कॉन्सेप्ट पावर का, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचा। अब इसमें एक टर्म और आता है, किसका आता है, वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन, मतलब कि अगर मेरी थ्री फेज पावर मुझे निकालनी है, अभी तो देखो ये सिंगल फेज और कॉम्प्लेक्स की बात हुई थी, थ्री फेज हो गई तो उसमें क्या होता है कनेक्शन आ जाते हैं स्टार और डेल्टा, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन वो कनेक्ट कहाँ से होगी, यहीं से कनेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अब हमने ये पढ़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन लगा के देखेंगे जिससे कि हमें पता लगे कि हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखिए द क्वेश्चन कर लेते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर इज गिवन वाई। देखो क्वेश्चन है ये आपका, द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू सर्किट इज गिवन बाय देखो एक वोल्टेज भी दे रखे हैं और करंट भी दे रखा है, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, वी टी दे रखा है आपको 60 कॉस ऑफ 100 टी प्लस 40 वोल्ट। सेम आई टी दे रखा है, आई टी क्या दे रखा है आपको, आई टी दे रखा है आपको 15 कॉस 100 टी माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं एस एस सी जेई की बात करूँ ना, तो ऐसी इक्वेशन देखिए फेज डिफरेंस पूछ लेता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ वोल्टेज टू द एंगल ऑफ करंट, तो एंगल ऑफ वोल्टेज और करंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 40 माइनस माइनस 20, वो ये मत कर देना 40 माइनस 20 20 लिखा है, क्या होगा इसका फेज डिफरेंस 40 माइनस माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 एम्पीयर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जेई के एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपका हो गया ना यार, सीरियसली ये मान लो अबाउट 10 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे अपने एसएससी जेई में। एसएससी जेई की बात करूँ तो ये टॉपिक आराम से वेटेज कंडक्ट करता है 10 मार्क्स का, आज की वीडियो और कल की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो और आएगी या तो वो आज ही आएगी या कल आएगी जब भी, लेकिन वो दोनों वीडियो आप कंक्लूड कर लो तो आपके 10 मार्क्स सिक्योर हैं एसएससी जेई में बहुत इजीली, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, अब देखो हमको क्या निकालना है, इसमें क्या पूछा है, द पावर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, द पावर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, या फिर क्या बोला है ऑब्लिक एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कौन सी होती है आपकी, रियल पावर होती है, देखो कितनी बार बोला था मैंने, एवरेज पावर कौन सी होती है, रियल पावर, और रियल पावर क्या होती है, पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, ठीक है, क्या होती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। अब मैक्सिमम जनता जो यहाँ गलती करेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो
कॉस ऑफ फाई निकाल लेंगे। कॉस ऑफ फाई क्या होगा, थीटा वी माइनस थीटा आई। अब देखो थीटा वी क्या है, 40 माइनस थीटा आई क्या है, माइनस 20, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। ये गलती कोई मत कर देना कि इसको 20 डिग्री कर दें, 40 माइनस 20। अब दूसरी चीज़ आती है, देखो ये इक्वेशन क्या लिख रही है, वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी, जैसा कि मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, प्लस थीटा वी। और ये क्या लिख रही है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो देखो अपने को पावर का फॉर्मूला क्या पता है, पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई 60 हो गया अपने पास। अब ये वी एम दे रखी है, और कोऑर्डिनेट कन्वर्जन में या फिर आर एम एस और एवरेज की वैल्यू की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, ठीक है ना। वी आर एम एस भी वी एम बाई रूट टू होगा, और सिमिलरली क्या होगा, आई आर एम एस भी क्या होगा आपका, आई एम वाई रूट टू। ये बात समझ में आ गई। तो देखो ये वी एम की वैल्यू है 60 और ये आई एम की वैल्यू है 15, तो दोनों किससे डिवाइड होंगी, रूट टू से डिवाइड होंगी आर एम एस वैल्यू निकालने के लिए। तो पावर क्या हो जाएगी, वी आर एम एस क्या होगी, 60 बाई रूट टू इंटू आई आर एम एस 15 बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई कितना है, कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है, 1 बाई टू, हाफ होता है कॉस 60। तो देखो ये कर लेते हैं हम, एवरेज पावर क्या हो जाएगी, 60 इंटू 15 अपॉन में देखो रूट टू इंटू रूट टू टू और कॉस ऑफ 60, कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो 60 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन में 2, ये गया 30 और ये फिर से गया 15, और 15 इंटू 15 क्या होता है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 वॉट आंसर। ठीक है, एसएससी जेई में इतना बड़ा नहीं पूछता है, डोंट वरी, ये तो पूरा ईएससी और गेट लेवल तक पहुंच गया। एसएससी जेई में पता है क्या पूछता है, फेज डिफरेंस, बस फेज डिफरेंस पूछ लेता है। और पावर पूछेगा तो इतना इसको क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, कि पार्ट्स में 2-3 नंबर में डिवाइड करके और तब पूछेगा, या फिर बेसिकली फेज डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो फेज डिफरेंस का एक आइडिया आपको यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जब ये चीज़ें समझ में आ गई, अब क्या बात आती है कि अभी मैंने पढ़ा पावर इन एसी सर्किट, बट अभी मैंने सिंगल फेज की बात की है। अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा किस पर, थ्री फेज पर, क्योंकि सिंगल फेज की पावर देखी अभी तक, ठीक है, एसी में। अब मैं किस पर जाऊंगा, थ्री फेज पर। अब थ्री फेज में बेसिकली क्या होता है कि एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन। उसमें अभी फिर हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, सेम डेल्टा में पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस। वहाँ हम देखते हैं, वहाँ दो टाइप के वोल्टेज आ जाते हैं या दो टाइप की करंट आ जाती है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट। फिर हम वहाँ क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं स्टार और डेल्टा में, कि कहाँ लाइन वोल्टेज और फेज करंट में क्या रिलेशन है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, आई मीन वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, जैसे लाइन और फेज के वोल्टेज में क्या रिलेशन है और लाइन और फेज के करंट में क्या रिलेशन है, वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, वहाँ से आपके टैकल हो जाते हैं पावर सिस्टम के पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है, पावर सिस्टम के पावर। अगर मैं बात करूँ अभी तक की, तो जितना मैंने ये पढ़ाया है इससे आपके नेटवर्क के और मशीन के सिंगल फेज वाले क्वेश्चन सारे क्रैक हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, थ्री फेज वाले, ठीक है। तो थ्री फेज वाले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब हो गया है टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं पहले ही नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि उस वीडियो के लिए ये वाली वीडियो देखना या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना प्री रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको ज़रूरत है लाइव डिस्कशन की तो आप वो भी बताइए, हम लाइव डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या है, आपको जो भी रिलेटेड डाउट होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, नेटवर्क में, मशीन में, तो वो भी क्लियर करेंगे, क्योंकि एसएससी जेई का एग्ज़ाम क्लियर है, नियर है। तो यार मुझे तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं या मुझे ये लग रहा है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा या तीसरा कोई मुझे डिमांड कर रहा है, मैं उन्हीं पर टाइम टू टाइम वीडियो बना रहा हूँ,
क्योंकि देखो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन ही सारा एसएससी जेई का सिलेबस कवर करा रहे हैं अबाउट इन 15 डेज, 15 भी नहीं बचे हैं अब तो मुझे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या जिनके लिए मेरे पास डिमांड आ रहा है या मुझे लग रहा है कि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उनको मैं कवर करा रहा हूँ। जैसे इसकी बात मैं करूँ, इसका वेटेज आप देख लेना 21 में पेपर में 6-7 मार्क्स का तो मिनिमम मान लो, क्योंकि एक दो मार्क्स का क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से उसमें मान लो नेटवर्क में, 2 मार्क्स का मशीन में मान लो, और 2-3 मार्क्स का आराम से पावर सिस्टम में मान लो। फिर मैं पूरी पावर की बात कर रहा हूँ, पावर पर डीसी एसी और 3 फेज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है आपको पावर एसी में, अब 3 फेज़ की पावर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ के लिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप वो पेस्ट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन और इजीएस्ट सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना थोड़ा, क्योंकि हम भी यहाँ मेहनत करते हैं तो हम भी टारगेट करते हैं कि हमें थोड़ा वीडियो जो लाइक हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए डे टू डे लाऊँगा। अब अभी क्या हो रहा है, 1 डे पर वीडियो आ रही है, फिर मैं 2 डे पर 2 वीडियोज़ पर डे कर दूँगा, और जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो पर डे वीडियो बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।